ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग आइसोमेरिज्म नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हिंदी में कहते हैं इसको समवायवता। आइसोमेरिज्म होता क्या है, अगर हम इसको इस तरह लिखें, आइसोमेरिज्म को तोड़ करके आइसो का मतलब हुआ समान, सेम, और मिरोस इसका मतलब हुआ पार्ट, समान भाग। ऐसे कंपाउंड जिनमें जिनके सारे पार्ट तो सेम हो, सारे पार्ट सेम होने का मतलब जितने एटम एक कंपाउंड में हैं उतने ही एटम दूसरे कंपाउंड में हो, वो तो सेम हो, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ किसी तरह क्या हो जाए, अलग हो जाए। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज़ चेन हो, ग्रुप हो, ठीक है, कुछ भी हो सकती हैं। लेकिन इसका सबसे पहला पार्ट कि आइसोमर जो होता है, आइसोमेरिज्म जो होता है, वो दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स के बीच देखा जाता है, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स के बीच में देखा जाएगा। इसमें क्या होगा, चाहे दो कंपाउंड हो चाहे दो से ज़्यादा कंपाउंड हो, उन सारे कंपाउंड्स में अगर नंबर्स ऑफ एटम्स सेम होंगे, ठीक है, नंबर्स ऑफ एटम्स सेम होने का मतलब जितने कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक कंपाउंड में है उतने ही कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंपाउंड दूसरे में भी हों, ठीक है, तो वो आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक है, तो ये आइसोमेरिज्म होता है। ये दो कंपाउंड जो, या दो से ज़्यादा कंपाउंड जो आइसोमेरिज्म शो करेंगे, उसे हम कहते हैं आइसोमर, और फिनोमेना घटना क्या कहलाता है, आइसोमेरिज्म। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या होगी, क्या डेफिनेशन है, टू और मोर देन टू कंपाउंड हैव सेम मॉलिकुलर फार्मूला, हैव सेम मॉलिकुलर फार्मूला, मॉलिकुलर वेट, बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, नोन एज आइसोमर एंड नोन एज आइसोमर टू ईच अदर एंड फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र और अणु भार तो समान हो, परंतु उनकी प्रॉपर्टीज, उनके गुण क्या हो, भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के समावयवी कहलाएंगे, और ये घटना क्या कहलाएगी, समावयवता कहलाएगी। ठीक, ये इसकी डेफिनेशन है। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र अणुभार और अणुसूत्र और अणुभार समान होते हैं परंतु रासायनिक गुण क्या होते हैं या उनके गुण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं, ये घटना समावयवता कहलाएगी। एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है C2H6O, ठीक है, तो ये एक मॉलिकुलर फार्मूला लिखा है, ठीक है, ये MF मतलब मॉलिकुलर फार्मूला। अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसके दो केमिकल फार्मूले हो सकते हैं, C2H5OH, CH3O CH3। तो देखो, दो कार्बन, छः हाइड्रोजन, पांच और एक छः हाइड्रोजन, तीन और तीन छः हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये दोनों क्या कर सकते हैं, आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, क्योंकि जितने कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें हैं उतने ही कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन किसमें है, इसमें है, तो ये दोनों क्या करेंगे, आइसोमेरिज्म शो करेंगे। कौन सी शो करेंगे, तो बात की बात है, ये दोनों आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के कहलाएंगे आइसोमर कहलाएंगे, ठीक है, और जो ये आइसोमेरिज्म शो करेंगे उसे हम कहेंगे आइसोमेरिज्म, जो भी ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमारा एक ग्रुप बदल जा रहा है, तो यहाँ पर हमारी ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म समझ में आया क्या हो गया, आइसोमेरिज्म का मतलब ये हो गया कि ऐसे कंपाउंड, अब देखो जैसे ये कंपाउंड है, इसका मॉलिकुलर फार्मूला, इन दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला यही है, ये केमिकल फार्मूले हैं, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है ये है हमारा केमिकल फार्मूले, CF केमिकल फार्मूले हैं, ठीक है। मॉलिकुलर फार्मूले दोनों के सेम है, अब इसका मॉलिकुलर वेट निकालेंगे, तो जो मॉलिकुलर वेट इसका होगा वही मॉलिकुलर वेट इसका होगा, क्योंकि दोनों में नंबर्स ऑफ एटम तो सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे, आइसोमर कहलाएंगे, और फिनोमेना क्या कहलाएगा, आइसोमेरिज्म कहलाएगा, ठीक है। तो ये तो थी छोटी सी आइसोमेरिज्म की कहानी, आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं इसके टाइप्स पर, जो आइसोमेरिज्म होता है आइसोमेरिज्म, ये नॉर्मली दो टाइप का होता है, दो टाइप में डिवाइड होता है। पहला होता है जिसे हम कहते हैं
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो आइसोमेरिज्म होता है वो नॉर्मली हमारा दो पार्ट में बटा होता है, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो। एक होता है हमारा संरचनात्मक, इसको हिंदी में कहते हैं त्रिविम समायोजिता, ठीक है। अब अगर बात करें जो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है उसके भी कुछ पार्ट होते हैं, क्या होता है ये भी देखते हैं। पहले इसके पार्ट देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट हमको इसमें पढ़ने हैं। तो इसके कितने पार्ट होते हैं, तो लाइन से लिखते हैं यहाँ पर। पहला पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समायोजिता। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्थान समायोजिता। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं फंक्शनल फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समूह समायोजिता। नेक्स्ट होता है जिसे कहते हैं मेटामेरिज्म, मध्यावयवता। नेक्स्ट इसे हम कहते हैं साइक्लिक आइसोमेरिज्म, चक्रीय समायोजिता। और लास्ट होता है जिसे हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म हिंदी में कहते हैं इसको चलावयवता, ठीक है। एक और होता है जिसे हम आइसोटोपिक आइसोमेरिज्म कहते हैं। फिलहाल हम लोगों को अभी इतनी ही पढ़नी है। पहली है चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला, पोजीशन, स्थान, फंक्शनल, क्रियात्मक समूह, मेटामेरिज्म, मध्यावयवता, साइक्लिक, चक्रीय समावयवता, टॉटोमेरिज्म, चलावयवता। स्टीरियो की अगर हम बात करें तो स्टीरियो जो होता है वो हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है। इसके दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, यहीं पर लिख रहे हैं। पहला होता है कॉन्फिग्यूरेशनल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म हिंदी में कहते हैं विन्यासी समायोजिता, और इसे हम कहते हैं कन्फर्मेशनल। नेक्स्ट जो होती है कन्फर्मेशनल, कन्फर्मेशनल। हिंदी में कहते हैं संसरूपणीय समायोजिता। अभी आगे एक एक करके बताएंगे क्या होती है। जो कॉन्फिगरेशनल होती है ये हमारी दो पार्ट में डिवाइड होती है, मेन हमको यही दोनों पढ़नी है। इसमें पहली होती है जिसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल, ज्यामिति, ज्योमेट्रिकल, और दूसरी होती है ऑप्टिकल, प्रकाशिक समायोजिता। इसमें हमको यही दोनों मेन डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, जो आइसोमेरिज्म है पूरा आइसोमेरिज्म के पार्ट हो गए, यही सारी आइसोमेरिज्म हमको पढ़नी, हमारा पूरा चैप्टर इसी पे बेस है, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहली हमारी कौन सी है, स्ट्रक्चरल, आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब कहा जाए पहले हम समझ लें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है, संरचनात्मक समायोजिता क्या होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें मॉलिकुलर, जिनका मॉलिकुलर फार्मूला MF, मॉलिकुलर फार्मूला, मॉलिकुलर वेट, ये तो हमारा सेम हो, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और IUPAC नेम क्या हो जाए, ये हमारा चेंज हो जाए,
वो हमारा कौन सा होगा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिनके अणु सूत्र, अणु भार समान हो, रासायनिक गुण, भौतिक गुण और आईयूपीएसी नेम क्या हो जाए? चेंज हो जाए। ठीक है, ये केमिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, ठीक है, चेंज हो जाए, वो हमारे क्या होंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होंगे। ठीक है, पहला हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पहला कौन सा है? चेन आइसोमेरिज्म। तो हम चेन देखते हैं, सबसे पहली हेडिंग है हमारी चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। अब चेन आइसोमेरिज्म क्या हो जाएगा? अब चेन आइसोमेरिज्म क्या होगा? इसमें मॉलिकुलर फॉर्मूला, मॉलिकुलर वेट, ठीक है, और कहा जाए कि केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग लगभग ये भी सेम होंगी। ठीक है, लेकिन इनमें क्या हो जाएगा? जो चेन हो जाएगी, चेन ही हमारी पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी, जिसमें हमारी चेन चेंज हो जाए, जिसमें चेन चेंज हो जाए, ठीक है, या स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, वो हमारा क्या शो करेंगे? चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। एक एग्जांपल देखें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 कार्बन है, हो जाएगा N पेंटेन। ठीक है, इसी को अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे, CH3 CH3 CH2 CH3, लिखने को चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे CH3 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 CH3। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? ये हो जाएगा हमारा आइसो ब्यूटेन, इसको हम कह सकते हैं नियो पेंटेन। तो चेक करो, जितने कार्बन हाइड्रोजन इसमें हैं उतने ही इसमें हैं, उतने ही इसमें हैं, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, लेकिन क्या हो रहा है? जो इनमें चेन है या स्ट्रक्चर है वो क्या हो रहा है? चेंज हुआ जा रहा है। तो ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेंगे? चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावयवता, इसमें पूरी की पूरी श्रृंखला चेंज हो जा रही है, वो हमारे कौन से आइसोमेरिज्म शो करेंगे? श्रृंखला समावयवता शो करेंगे। ठीक है, जैसे ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो लिखा हुआ है CH2 CH3। ठीक है, अब इसका अगर हम नाम लिखें तो ये हमारा क्या नाम हो जाएगा? इसको हम कह सकते हैं एथिल बेंजीन कह सकते हैं। ठीक है, एथिल बेंजीन कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं फेनिल, और ये हमारी फेनिल हो गया, ये हमारा क्या हो गया? दो कार्बन को एथ कहते हैं, एथेन, ये दोनों इसके नाम हो सकते हैं। ठीक है, अब इसी को लिखना चाहें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? CH3 CH3, इसी को लिखना चाहें CH3 CH3, इसी को लिखना चाहें CH3 CH3। चेक कर लो इसमें कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन है, चेक कर लो जितने कार्बन हाइड्रोजन इसमें हैं उतने ही इसमें, उतने ही इसमें हैं। देखो, यहाँ से यहाँ पर हमारा CH3 हुआ है, यहाँ से एक एच, कहीं से एक एच हटा, हर एक कार्बन सेंटर पे यहाँ पर एक एच होगा, ये H जा करके इसमें मर्ज हो गया, CH3 यहाँ आ गया, कंपाउंड तो सब वही बन रहे हैं। देखो, एक H जा करके इसमें मर्ज हो गया, CH3 CH3 CH3, ये पोजीशन कहलाती है ऑर्थो पोजीशन कहलाती है, ये पोजीशन कहलाती है मेटा, और ये कहलाती है ऑर्थो मेटा, ये होती है पैरा, ये तीनों स्ट्रक्चर जो हैं वो ज़ाइलिन के हैं। तो देखो, सब कुछ तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो रहा है? इसका चेंज हुआ जा रहा है। तो ये हमारी कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेंगे? चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक है, चेन के बाद हमारी कौन सी है? पोजीशन देखते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? सिंपल जी चीज, इसमें क्या हो रहा होगा? पोजीशन चेंज हो रही होगी, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, और
केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होगी। जो फंक्शनल ग्रुप है, एफ जी मतलब फंक्शनल ग्रुप, और जो मल्टीपल बॉन्ड हैं, मल्टीपल बॉन्ड, इनकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वे यौगिक के अणु सूत्र, अणु भार, रासायनिक गुण समान हो परंतु क्रियात्मक समूह या गुणित बंध के स्थान में भिन्नता हो, उसे हम क्या कहेंगे, स्थान समवयता। दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर फॉर्मूला, केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 OH, और इसी तरह एक एग्जांपल लिखा हुआ है CH3 CH CH3 OH। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 3 2 5 6 7 1 8, 3 3 6 7 1 8, एक ऑक्सीजन, एक सब कुछ बैलेंस है, ठीक है। लेकिन इसका जब नाम लिखेंगे तो इसका नाम क्या निकलेगा, ये हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल, 1 2 3 ये हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल, या लिख सकते हैं इसको प्रोपेन टू ऑल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो सब कुछ तो सेम है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है उसके पोजीशन में क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, ये क्या शो करेंगे, पोजीशन है। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे मान लो लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 लिखा है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3, कार्बन हाइड्रोजन सब सेम है, ये हमारा हो गया ब्यूट 1-ईन, और ये क्या हो जाएगा, ब्यूट 2-ईन। फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ जा रहा है, मल्टीपल बॉन्ड का प्लेस पोजीशन चेंज हो जा रही है, तो ये हमारी कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे दो आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गई, कौन कौन सी, एक चेन और एक पोजीशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कौन सी है हमारी, फंक्शनल क्रियात्मक समूह। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या हो जाएगी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब इसमें क्या होगा, इसमें मॉलिकुलर फॉर्मूला, मॉलिकुलर वेट सेम हो जाएंगी, और क्या हो जाएगा, इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वही पूरी की पूरी चेंज हो जाएंगी, रासायनिक गुण क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। एग्जांपल से एग्जांपल देखो, जैसे CH3 सबसे पहला एग्जांपल इसी का लिया था, OH CH3 O CH3, तो ये हमारा कौन सा ग्रुप है, इसमें अल्कोहल है, और ये कौन सा ग्रुप है, ईथर। तो देखो पूरा का पूरा ग्रुप चेंज हो रहा है, तो ये हमारा क्या शो करेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे लिखा हुआ है CH3 CH2 CHO CH3 CO CH3, देखो कार्बन हाइड्रोजन सब सेम है, लेकिन ग्रुप ये हमारा कौन सा ग्रुप है, इसमें है एल्डिहाइड, और ये कौन सा ग्रुप हो गया, इसमें कीटोन। बस में आ रही नहीं आ रही है, अब कौन किस में चेंज हो सकता है वो हम यहाँ पे लाइन से लिखे दे रहे हैं, कौन किस में चेंज हो सकता है, जैसे अल्कोहल है, ठीक है, ईथर में, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन में फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेगा, एसिड एस्टर में, एसिड COOH एस्टर RCOOR, ठीक है, साइनाइड NC में, आइसोसाइनाइड, ठीक है, नाइट्रो नाइट्राइड में, ठीक है। तो
ये हमने कुछ एग्जांपल लिख दिए हैं कि ये दोनों एक दूसरे में आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, फंक्शनल मतलब फंक्शनल ग्रुप इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी इसमें कौन सी शो कर रहा है, मेटामेरिज्म। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है, अलग भी है। मेटामेरिज्म क्या होती है, मेटामेरिज्म हिंदी में कहते हैं चलावर्ता। इसमें क्या होगा, मॉलिकुलर फॉर्मूला, मॉलिकुलर वेट एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, डिफरेंट रेशियो ऑफ एल्काइल ग्रुप, जो एल्काइल समूह है उनके रेशियो में क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। वो हमारी क्या शो कर, वो हमारा क्या शो करेगा, मेटामेरिज्म। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र, अणुभार और रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु जो एल्किल समूह होते हैं उनके अनुपात में क्या होती है, भिन्नता हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म, मध्यवर्ता कहते हैं। अब ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं जो मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं, तो कुछ ही ग्रुप हैं जो शो करेंगे, जैसे एक कीटोन हो गया, ठीक है, ईथर हो गया, अमीन हो गया, ठीक है, और एक थायो ग्रुप हो जाता है। ये इतने जो ग्रुप होते हैं ये हमारे क्या शो करते हैं, मेटामेरिज्म शो करते हैं। एक एग्जांपल जैसे देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है CH3CH2O CH2CH3 और लिखा हुआ है CH3O CH2CH2CH3, दोनों तरफ सब कुछ सेम है, इसको हमने रेशियो मान लिया। तो यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पे कार्बन 2 है, जबकि यहाँ पर कार्बन का रेशियो क्या हो गया, 1:3 हो गया। सब कुछ सेम है, ये भी ईथर है, ये भी ईथर है, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, जो एल्काइल ग्रुप है, जो कार्बन का जो रेशियो है, एल्काइल ग्रुप में कार्बन का जो रेशियो है, वो हमारा क्या हो रहा है, इसमें चेंज हुआ जा रहा है। तो ये हमारे कौन से आइसोमेरिज्म शो करेंगे, मेटामेरिज्म शो करेंगे। ठीक है, इसको अलग हट करके एक दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे मान लो CH3CH2CO CH2CH3, यहाँ पर CH3CO CH2CH2CH3 सेम है, इसमें भी इसको हमने रेशियो माना 2:2, यहाँ पर 1:3, रेशियो चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या शो करेगा, मेटामेरिज्म शो करेगा। जैसे एक एग्जांपल, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया है CH3CH2CH2NH CH3, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं CH3CH2NH CH2CH3, सब कुछ सेम है, सेम का मतलब जितने कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन इसमें है उतने ही इसमें है, इसको हमने रेशियो मान लिया, यहाँ पर 3:1 कार्बन है, यहाँ पर 2:2 कार्बन हो गया, तो रेशियो यहाँ पर चेंज हो रहा है, जिसमें रेशियो चेंज होगा वो मेटामेरिज्म। मोस्टली ये जो एलिमेंट, ये जो ग्रुप होते हैं ये मेटामेरिज्म को शो करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी आइसोमेरिज्म ने यहाँ पर पढ़ ली है, हमारे यहाँ पर ये चार आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गई, चेन, पोजिशन, फंक्शनल और मेटामेरिज्म। अब इसके बाद जो आइसोमेरिज्म है वो है हमारी साइक्लिक आइसोमेरिज्म। साइक्लिक आइसोमेरिज्म क्या होती है, साइक्लिक आइसोमेरिज्म, तो इस आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट ये सेम होंगे, बट जो स्ट्रक्चर है इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये या तो ऐसा समझो कि कोई ओपन चेन है, वो हमारी क्लोज चेन में कन्वर्ट हो जाएगी, क्लोज चेन में कन्वर्ट हो जाएगी। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमारा एल्कीन है, ठीक है, तो ये हमारा किस में चेंज हो सकता है, साइक्लो एल्केन में, ठीक है,
एल्काइन है ये चेंज हो सकता है साइक्लोइन में। एग्जांपल देखते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसको लिखने को ऐसे लिख सकते हैं, ये ओपन चेन है, ये हो गई हमारी क्लोज चेन। चेक करें, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 3 4 5 6, 2 2 4 5 6 कुछ सेम है, लेकिन इस पे क्या हो रहा है, ओपन चेन एक क्लोज चेन में चेंज हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, साइक्लिक आइसोमेरिज्म कहा जाएगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लिया गया है CH3C ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब इसको हमने ऐसे लिख दिया, चेक कर लो, 1 2 3 कार्बन ये हो गए, ठीक है, 1 2 3 हाथ ये हो गया, चौथा हाथ, 1 2 3 हाथ, चौथा हाथ, इसके दो हाथ, हाइड्रोजन 3 और 1 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, ओपन चेन हमारी रिंग में चेंज हो रही, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लिक आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल में हमारी ये साइक्लिक भी कंप्लीट हुई। अब इसमें हमारी लास्ट आइसोमेरिज्म बची हुई है, कौन सी, टॉटोमेरिज्म, इसे देखते हैं क्या होती है। नेक्स्ट हमारी कौन सी है, टॉटोमेरिज्म। अब ये क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप की आइसोमेरिज्म होती है, इट इज एन स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन विच टू आइसोमर इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम फ्रॉम sp3 सेंटर, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप की आइसोमेरिज्म होती है, ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होती है, जिसमें इक्विलिब्रियम पर अल्फा हाइड्रोजन का क्या होता है, sp3 सेंटर पे माइग्रेशन होता है, या इसमें कई बार ऐसा कह दिया जाता है जिसमें कीटो इनॉल में चेंज हो जाता है, वो हमारी ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ लगाते हैं, ये एग्जांपल लेते हैं, COOO। अब ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, OH, इसमें ये कीटो है, ये हमारा इनॉल में चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, देखो, जैसे यहाँ पर ये जो है हमारा कार्बन होगा, कार्बन के 1 2 हाथ है, मतलब यहाँ पर क्या है, CH2 बताया जाता है, ये बॉन्ड स्लिप होकर के नीचे आया और H हमारा कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन है हमारा यहाँ पर, ठीक है, देखो यहाँ पे माइग्रेशन ऑफ अल्फा, ये अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो sp3, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, तो यहाँ का हाइड्रोजन ऊपर जा रहा है, बॉन्ड स्लिप होकर के नीचे आ रहा है। मींस इसमें जो पॉइंट बताया जाता है ये होता है कि जो कीटोन फॉर्म है, कीटो फॉर्म है, ठीक है, ये मेन ग्रुप है, ये अल्फा हाइड्रोजन हुआ sp3, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, ठीक है, यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन इस H के पास जाएगा और इसका ये बॉन्ड स्लिप होकर के नीचे आएगा, OH डबल बॉन्ड CH, इसे हम कहेंगे इनॉल कहेंगे, इसमें इन भी है ऑल भी है, ये हमारा कीटो ग्रुप या इसको कार्बोनिल ग्रुप कह सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पर हो रही होती है, अल्फा हाइड्रोजन जहाँ पे माइग्रेट कर रहा होता है,
ठीक है, माइग्रेट इस तरह माइग्रेट करे, ठीक है, वहाँ पर हमारा एक कॉन्शियसनेस शो होगी, टॉटोमेरिज्म शो होगी, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं, वो भी हम देख लें यहाँ पर। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है CH3 CH2 NO, ठीक है। अब यहाँ पे मेन ग्रुप ये है, तो इसके बाद अला ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पर होगा क्या, ये जो एच है ये एच चला जाएगा ओ के पास और इसका ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे कंपाउंड कैसा बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो रहा है, देखो अल्फा हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो रही है, क्या शो करेगा, टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमारा जो इस आइसोमेरिज्म का जो पहला पार्ट था वो पूरा कंप्लीट हुआ, चेन पोजीशन फंक्शनल मेटामेरिज्म साइक्लिक टॉटोमेरिज्म, ठीक है। ये हमारे इसके सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बताया जाएगा, लेकिन इससे पहले दो तीन चीज़ें बताई जाएंगी, इनेंशियोमर डाइस्टियोमर क्या होता है, ठीक है, उसके बाद इसको एक्सप्लेन किया जाएगा।